ओके तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म ऑडियो वीडियो इज क्लियर एम आई ऑडिबल यू ऑडियो वीडियो क्लियर बेटा कंफर्म करो एक बार सभी लोग तो वंस गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था द डिस्कशन वॉज रिलेटेड टू द कंपास सर्वे

बियरिंग बियरिंग तो को रिप्रेजेंट करने के जो सिस्टम थे डब्ल्यू सिस्टम होल सर्कल बियरिंग सिस्टम और आरबी या क्यूबी सिस्टम ये भी मैंने डिस्कस किया था एंड लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस दैट वाज़ द कन्वर्जन आपको एक बियरिंग सिस्टम से दूसरे बियरिंग सिस्टम में रीडिंग्स को कन्वर्ट करना सिखाया गया था बियरिंग्स क्या था मेरी क्या, क्या था कैसे कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे उनको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम डब्ल्यू टू आरबी

अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क योर डाउट इफ देर इज नो प्रॉब्लम देन यू कैन कंफर्म सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर तो किसी कोई डाउट हो कन्वर्जेंस से रिलेटेड तो यू कैन आस्क योर डाउट चलो तो आई होप आई आई एम क्लियर विद ऑल दीज पॉइंट चलो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास बिफोर स्टार्टिंग द टूडेज क्लास मी इंट्रोड्यूस माइ सेल्फ फॉर दिस चैनल

इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आई विल डील विद द हाईवे रेलवे एंड एयरपोर्ट पार्ट सर्वे एंड आरसीसी दीज आर माई सब्जेक्ट दैट आई एम गोइंग टू कवर फॉर द एग्जाम गेट ई एस सी और जो भी आपके स्टेट्स के एग्जाम है एर ए डबल आई विद सब्जेक्ट दट आर ट्रांसपोर्टेशन सर्वे एंड आरसीसी दिस इज माई रेफरल कोड दिस कोड इज गोइंग टू बी यूजफुल डमी इन ए सिस्टमैटिक वे इन ऑर्गनाइज वे दे कैन प्लान दियर सब्सक्रिप्शन टू टाइपल वन इज प्लस एंड सेकेंड इज आइकोनिक इन प्लस वॉट यू गेट यू विट प्रोपर लाइव क्लासेस विल बी देयर वीकली टेस्ट विल बी देयर टू एनालाइज यूर परफॉर्मेंस टू मेजर युअर परफॉर्मेंस डाउट सॉल्विंग सेल बी देयर तो एवरी फोर्थ क्लास एवरी फोर्थ क्लास ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म सॉरी एवरी फोर्थ क्लास ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म विल बी रिलेटेड टू योर डॉट सॉल्विंग सेशन यू विल ऑल्सो गेट द रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस विल बी देयर रेगुलर बैचेस विल बी देयर, रेगुलर बैचेस विल बी देयर फॉर गेट एंड ई एस गेट एंड डीएससी के लिए रेगुलर बैचेस मिलने वाले क्रैश कोर्स मिलने वाले फ्रॉम रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू यू विल ऑल्सो गेट द रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस दीज ऑल बैचेस विल बी एक्सेबल टू यू जस्ट बाई वन सब्सक्रिप्शन नो नीड टू टेक सेपरेट फॉर्मेट ऑफ द बैच सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू कवर इन द्लस प्लेटफॉर्म दैट विल बी बाई लिंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर फॉर यू

तो प्रॉपर टेस्ट की एनालिसिस आपको मिलने वाली सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर वीक एरिया एंड यू कैन प्रॉपरली वर्क ऑन दैट टू एलिमिनेट दट एरिया गेट ऑन द प्लस और द्लसोनिक दिस फीचर्स आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर बेटर रिजल्ट दिस इज योर यूट्यूब चैनल दैट इज अन एकेडमी गेट सी तो अन एकेडमी गेट सी में हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखे थे दिस सब्जेक्ट है फॉर द एग्जाम गेट एंड डीएससी तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट युअर प्रिप्रेशन ऑल्सो स्टार्ट युअर लर्निंग फ्रॉम दीज सबेक्ट्स जस्ट विजिट द प्ले लिस्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट ऑन दिस चैनल गेट सी यू विल एबल टू एक्सेस ऑल दीज सबजेक्ट फॉर सब्सक्रिप्शन वॉट यूबू टू जस्ट विजिट दी एप और वेबसाइट सेलेक्ट युअर गोल एज गेट एंड डीएससी सेलेक्ट युअर गोल एस गेट एंड डीएससी टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन आई व्यू एक्सप्लेन फॉर द प्लस Here, I have explained for the plus. Then you will select the duration of your subscription. So you can go for the 12 month, you can go for the 18 month, or you can go for the 24 month subscription. Long term subscription is going to be economical for you, as you can see here. Here, you will find the utility of my referral code that is KKS10. While completing your registration process with an academy, if you are using this code that is KKS10, you will get 10% off on your subscription cost. To so make sure whenever you are going to complete your registration process with an academy, you are using this code to avail 10% off on your subscription cost. Same process you can follow for the iconic. Same process you can follow for the iconic. Select the duration, long term again. Long term is going to be economical for you. <coughs> Here you can also apply my referral code that is KKS10. You will get 10% off on your subscription cost. This is my an academy profile link. दिस लिंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको प्रोवाइड किया गया इस लिंक को विजिट करके जो भी स्पेशल क्लासेज मैंने लिए स्पेशल क्लास में जो भी टॉपिक कवर किए लाइक क्वेश्चन रिलेटेड टू हाईवे क्वेश्चन रिलेटेड टू रेलवे क्वेश्चन रिलेटेड टू सरवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू आरसीड द वेरियस लेक्चर्स यूलियस क्लासेज इन दैट वेस्कस्ड स इच्छन ऑफ गेट एंड डीएस तो आप उन सभी क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हो जस्ट बाई विज माईडमीडीटेडमी गेट एंड डीए सी सी आप सभी लोग इस लिंक को फॉलो करके ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड को फॉलो करके इस लिंक को विजिट करके एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है अन इस ग्रुप में अगर आप अवेलेबल हैं व्हाट यू विल गेट यू विल गेट द ऑल द रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स अबाउट ऑल माय अपकमिंग स्पेशल क्लासेस तो जो भी अगली स्पेशल क्लासेस हम लोग प्लान करने वाले अपकमिंग स्पेशल क्लासेस स्पेशल क्लासेस के क्लास लिंक टाइमिंग टॉपिक ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट स्पेशल क्लास यू विल गेट यू विल ऑल्सो गेट द पीडीएफ यू विल ऑल्सो गेट द पीडीएफ ऑफ द यूट्यूब लेक्चर तो यूट्यूब के जो भी लेक्चर है उनके पी डी एफ भी यहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ठीक है तो नेक्स्ट हाँ तो, sure, जिन भी लोगों ने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप दस्ट बाई विजिटिंग दिस लिंक इस लिंक को विजिट करके आप सभी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दिस इज एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू तो आई होप आई एम क्लियर विद ऑल दिस पॉइंट्स यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है एवरी वन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन टन लॉन्च क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नो इफ एनी वन हैविंग एनी डाउट एनी जनरल डाउट एंड एनी जनरल क्वेरी यू हैव यू कैन आंसू डाउट क्लियर है यहां तक सारी बातें ठीक है <coughs> तो अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं कंपास सर्वे को ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंपास सर्वे में आज जो मैं आपको कवर कराने वाला हूं टुडे वी विल डील विद द मैग्नेटिक डिक्लेनेशन अगला टर्म जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मैग्नेटिक डिक्लेनेशन सर ये मैग्नेटिक डिक्लेनेशन होता क्या है सर ये मैग्नेटिक डिक्लेनेशन होता क्या है तो मैग्नेटिक डिक्लेनेशन होता है इट इज दॉर्जेंटल एंगल बिटवीन द इट इज द हॉरिजेंटल एंगल हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मैरिडियन एंड मैग्नेटिक मैरिडियन ट्रू मैरेडियन एंड मैग्नेटिक मैरिडियन तो आप सभी को पता है कि ट्रू मैरिडियन क्या होता है जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली लाइन होती है उस लाइन को आप बोलते थे ट्रू मेरिडियन दैट कंसीडर एज द ट्रू मेरिडियन एंड वन मोर लाइन वी नो दैट इज मैग्नेटिक मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइन को मैं बोलता था मैग्नेटिक मेरिडियन यस इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा उसी को मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक डिक्लेनेशन तो उसी को मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक डिक्लेनेशन <laughs> क्लियर बेटा इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज द हॉर्जेंटल एंगल इट इज द हॉर्जेंटल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन ये फिक्स नहीं होता ये फिक्स नहीं होता है मैग्नेटिक डिक्लेनेशन मैग्नेटिक डिक्लेनेशन इज नॉट कांस्टेंट इज नॉट कांस्टेंट इवन फॉर ए पर्टिकुलर प्लेस तो आपका मैग्नेटिक डिक्लेनेशन है मतलब ये जो एंगल है थीटा हॉर्जेंटल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन ये कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा सेम नहीं रहेगा ये चेंज होता रहता है इसमें वेरिएशन आते रहते हैं ये जो वेरिएशन आ रहे हैं इसके कितने तरीके के वेरिएशन होते हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं वट द वेरिएशन वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन यू विल गेट इन द केस ऑफ मैग्नेटिक डिक्लेनेशन तो चार तरीके के वेरिएशन की बात करनी है पहला होता है डाइयर वेरिएशन इसको आप बोल सकते वो वेरिएशन जो डेली बेसिस पे हो रहा है नेक्स्ट वी आर ईयरली जो वेरिएशन ऑब्जर्व होने वाले ईयरली जो चेंज ऑब्जर्व होने वाला है मैग्नेटिक डिक्लेनेशन में पर्टिकुलर प्लेस उसको आप बोलने वाले एनुअल वेरिएशन नेक्स्ट वी आर हैोंग पीरियड टाइम ओवर वन फिफ्टी ईयर पीरियड तो लगभग एक सौ डेढ़ सौ साल में जो आप ऑब्जर्व जो ऑब्जर्व करते हैं वेरिएशन को जो डिफरेंस को आप ऑब्जर्व करते हैं मैग्नेटिक डिक्लेनेशन के के केस में फॉर ए पर्टिकुलर प्लेस उस वेरिएशन को हम बोलने वाले सेक्युलर वेरिएशन एंड द नेक्स्ट इज इरेगुलर इरेगुलर वेरिएशन तो ऑब्वियसली इसका कोई पैटर्न नहीं होगा इसीलिए आप इसको बोल लो हो वेरिएशन इसीलिए आप इसको बोल रहे हैं वेरिएशन एक पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है एक ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए जो डायूर्नल वेरिएशन है डायूर्नल वेरिएशन इज जनरली मोर इन समर ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इन समर सीजन तो जो डेली बेसिस पे वेरिएशन मिलता है डिक्लेनेशन का किसी भी पर्टिकुलर प्वाइंट में वो समर के सीजन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू विंटर एज कंपेयर टू विंटर तो दिस इज इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट यू शुड नो तो क्या होता है डिक्लेनेशन वॉट डू यू मीन बाई द डिक्लेनेशन और डिक्लेनेशन में वेरिएशन कौन कौन से होते हैं आई थिंक यू आर ऑल आर क्लियर विद ऑल दीज पॉइंट आप सभी इन बातों के साथ क्लियर है ये सोर नो अगर क्लियर है तो फिर अगला टॉपिक कर लेते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ डिक्लेनेशन टाइप्स ऑफ डिक्लेनेशन डिक्लेनेशन के टाइप क्या होते हैं दैट वी विल डिस्कस तो डिक्लेनेशन के दो तरीके से मैंने क्लासिफाई किया फर्स्ट इज ईस्टर्न डिक्लेनेशन फर्स्ट इज ईस्टर्न डिक्लेनेशन ईस्टर्न डिक्लेनेशन एंड सेकेंड इज वेस्टर्न डिक्लेनेशन वेस्टर्न डिक्लेनेशन सर ये ईस्टर्न डिक्लेनेशन क्या होता है वेस्टर्न डिक्लेनेशन क्या होता है ये समझते तो देखो यार ट्रू मैरिडियन तो हमेशा सेम ही रहने वाला है ना तो दिस इज द पोजिशन ऑफ योर ट्रू मेरिडियन, दिस इज दिस इज द पोजिशन ऑफ योर ट्रू मेरिडियन। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर मैग्नेटिक मेरे चलो मैं दूसरे डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करते तो फॉर एग्जांपल दीज आर ईस्ट एंड वेस्ट सिमिलरली हेयर यू विल आल्सो फाइंड ईस्ट और वेस्ट ठीक है यह ईस्ट और वेस्ट हो गया अगर आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन अगर आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्टर्न साइड है कुछ इस तरीके से लोकेशन है इस केस में दूसरे केस में आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन वेस्टर्न साइड है द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इससे आते हैं टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे देखने को मिलेंगे तो अगर मैं

क्योंकि जो मैं एंगल मेजर करने वाला हूं थीटा है थीटा वन जो भी एंगल होगा बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इस डायग्राम की हेल्प से मैं ये देख भी पा रहा हूं इस डायग्राम की हेल्प से मैं ये वेरीफाई भी कर पा रहा हूं कि वो जो एंगल होने वाला है दैट वी आर गोइंग टू मेजर इन द क्लॉब डायरेक्शन नो थीटा वी मेजर इन द डायरेक्शन अगर आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन वेस्टर्न साइड है अगर आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन वेस्टर्न साइड है विद रेफरेंस टू द ट्रू मेरिडियन

क्शन आर अपोजिट टू ईच अदर इन डायरेक्शन को कंसिडर करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए इसी को मैं बोलने वाला हूं निगेटिव डिक्लेनेशन इसी को मैं क्या बोलूंगा तो दिस वॉज द डिस्कशन रिलेटेड टू द डिक्लेनेशन दिस वॉज द डिस्कशन रिलेटेड टू द डिक्लेनेशन इफ एनी मन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं क्या होता है डिक्लेनेशन क्या होता है पॉजिटिव डिक्लेनेशन ईस्टर्न डिक्लेनेशन क्लॉकवाइज वाइज डिक्लेनेशन और क्या होता है निगेटिव डिक्लेनेशन वेस्टर्न डिक्लेनेशन और एंटी क्लॉकवाइज डिक्लेनेशन यू कैन आस्क योर डॉप इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डॉप आई थिंक द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस इट वॉज इट वॉज वेरी सिंपल अब इससे देखो होता क्या है इससे आपके जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे तो कैसे इसका एप्लीकेशन करना है दैट दैट वी विल विल सी सी क्या है इसका एप्लीकेशन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कल ये बताया गया था अगर मैं किसी लाइन की ट्रू बियरिंग को मेजर करना चाह रहा हूं अगर मैं किसी भी लाइन की ट्रू बियरिंग को मेजर करना चाहूंगा तो रेफरेंस जो मेरा होगा दैट रेफरेंस शुड बी ट्रू मेरिडियन दैट रेफरेंस शुड बी ट्रू मेरिडियन यस और नो अगर मैं किसी भी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर करना चाह रहा हूं अगर मैं किसी भी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर करना चाह रहा हूं इन दैट केस द रेफरेंस शुड बी मैग्नेटिक मेरिडियन उस केस में रेफरेंस जो होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा बिल्कुल सही बात है कुछ भी हो जाए ट्रू मेरिडियन तो सेम ही रहेगा ना कुछ भी हो जाए पोजिशन ऑफ द ट्रू मेरिडियन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज क्योंकि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ जो है वो तो बदलने वाले हैं नहीं टिल्ट <coughs> की वजह से जो वेरिएशन आ रहे हैं दैट वेरिएशन रिप्रेजेंट दैट वेरिएशन विल बी देयर इन द केस ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इन द केस ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन तो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले तो फॉर एग्जाम्पल आई एम कंसिडरिंग दिस कंडीशन इस कंडीशन में मैंने बोला कि किसी भी प्लेस पे जो डिक्लेनेशन है दैट इज फोर डिग्री वेस्ट ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं दैट इज फोर डिग्री वेस्ट नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला फॉर्मूला और ना याद करने पर कंसेप्ट तो किसी भी प्लेस पे जो भी डिक्लेनेशन था वो डिक्लेनेशन मुझे बताया गया दैट डिक्लेनेशन इज दैट डिक्लेनेशन इज फॉर एग्जाम्पल फोर डिग्री वेस्ट वो वेस्ट बोल देता है वो बोल देता है निगेटिव है यस yes? तो अभी मैंने सारे नाम देखे वेस्ट को मैं निगेटिव कंसिडर कर रहा था दिस स्लाइड एंटी क्लॉक भी बोल सकता था वेस्टर्न भी बोल सकता था कोई भी टर्म यूज करके मुझे उस पर्टिकुलर प्लेस में बता दिया गया कि डिक्लेनेशन क्या है फॉर एग्जाम्पल वी हैव एनी लाइन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक लाइन है जिस लाइन को मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल दैट लाइन इज ओ ए इस लाइन को मैं बोल रहा हूं ओ ए सवाल में मुझसे बोला गया मुझे बोला गया इस लाइन की ट्रू बियरिंग जो है दैट इज ट्रू बियरिंग इज गिवन एज फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी डिग्री तो मैं लिख देता हूं ट्रू बियरिंग ऑफ ए बी सॉरी ट्रू बियरिंग ऑफ ओ ए तो ट्रू बियरिंग ऑफ ओ ए एट से दैस वैल्यू इज गिवन एज सिक्सटी डिग्री दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज गिवन यस और नो मुझसे पूछा गया वर्ट विल बी द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ओ ए ओ एक की मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन बस आपको केवल यह ध्यान रखना है कि जो भी बियरिंग आप मेजर करेंगे तो नाउ वी आर गोइंग टू क्लब टू कंसेप्ट जो मैंने बियरिंग के कंसेप्ट को पढ़ रखा था वो कंसेप्ट मुझे पता है कि ट्रू बियरिंग को डिफाइन करेंगे विद रेफरेंस टू द ट्रू मैरेडियन और मैग्नेटिक बियरिंग को डिफाइन करेंगे विद रेफरेंस टू द मैग्नेटिक मैरेडियन We have also the of the अभी हम ने अगर कोई लाइन ओए है तो ये डायग्राम बना के मैंने समझाया इट्स नॉट कंपलरी डेटा विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ डाइग्राम आपको सवाल में डेटा डायग्राम के फॉर्मेट में प्रोवाइडेड हो ऐसा जरूरी नहीं है बट वी विल गो थ्रू द डायग्राम हम लोग जल्दी से उस डायग्राम को उस डेटा को रिकॉर्ड करेंगे रफली वी विल रिकॉर्ड दैट डेटा एंड वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन ठीक है तो अगर मुझसे सवाल में पूछा गया व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक मैग्नेटिकिंग ऑफ लाइन ओ ए कैन आई मैग्नेटिक बियरिंग अगर मुझे इस लाइन की मेजर करनी है तो द रेफरेंस शुड बी द मैग्नेटिक मेरिडियन द रेफरेंस शुड बी द मैग्नेटिक मेरिडियन यस सॉप नो मीन्स कैन आई से वी हैव टू फाइंड दिस येलो एंगल दैट इज थीटा थीटा लिख दो थीटा वन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। The reference be clear to you, कि reference क्या रहने वाला, measurement कहां से perform करने वाले, ये point clear होना चाहिए। तो एंगल इज थी कुछ नहीं करना यार क्या रहा है राइट थीटा वन विल बी इक्वल टू थीटा वन विल बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं ये थी ट्रू बियरिंग दिस इज द ट्रू बियरिंग लिख सकता हूं ट्रू बियरिंग प्लस ये एंगल मुझे ऐड करना पड़ेगा ना दिस इज द केस ऑफ डिक्लेनेशन प्लस डिक्लेनेशन यस और नो एंड दिस थीटा वन इज नथिंग बट मैग्नेटिक बियरिंग दिस विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग विल बी इक्वल टू सिक्सटी प्लस फोर दैट विल बी सिक्सटी फोर डिग्री दैट विल बी योर आंसर दैट विल बी योर आंसर यह आपका आंसर है और क्या हो सकता था इट मे बी पॉसिबल कि आपको सवाल में मैग्नेटिक बियरिंग दिया हो आपको सवाल में मैग्नेटिक बियरिंग दिया हो दे विल आस्क अबाउट द ट्रू बियरिंग इस तरीके के सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आपके बियरिंग के कंसेप्ट क्लियर है और डिक्लीनेशन के कंसेप्ट क्लियर है तो व्हेन वी विल कंसीडर द डिक्लेनेशन एज नेगेटिव डिक्लेनेशन व्हेन वी विल कंसीडर द डिक्लेनेशन एज द पॉजिटिव डिक्लेनेशन देर इज नो प्रॉब्लम विथ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टू लेट्स टेक एन एग्जाम्पल तो ये मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था अब एक सवाल ले लेते हैं टू लेट्स टेक अ क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन कह रहा है इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इफ अ मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन अगर किसी भी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग है दट इज गिवेन है साउथ सिक्सटी फोर ईस्ट उथ सिक्सटी फोर ईस्ट कैलकुलेट कैलकुलेट ट्रू बियरिंग इफ डिक्लेनेशन ट्रू बियरिंग इफ डिक्लेनेशन इज दो कंडीशन दे रखी गई है एक डिक्लेनेशन है सेवन डिग्री ईस्ट का और दूसरा डिक्लेनेशन है नाइन डिग्री वेस्ट का सेवन डिग्री ईस्ट और नाइन डिग्री वेस्ट दो तीन बातें यहां पर हम लोग समझने वाले हैं तो वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सॉल्व करो टेक योर टाइम तो आई एम प्रोवाइडिंग यू थर्टी सेकेंड टाइम टू अप्लाई दैट कंसेप्ट वर्ट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वर्ड शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलो तो लेट मी एक्सप्लेन जिनके आंसर आ गए वेरी गुड दोज आर नॉट एबल टू सॉल्व दे दे कैन कैन अंडरस्टैंड द द सी सी पार्ट द दंडरस्टेंड पार्ट पहला केस ले लेते सबसे पहले तो यार मुझे ये समझ में नहीं आता है मुझे बड़ी दिक्कत होती है अगर रीडिंग अगर बियरिंग डब्ल्यू सी बी या आरबी सिस्टम में दिया गया है मैं ढंग से बिजुलाई नहीं कर पाता कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था टिवलीब्लू भी आसान है ये तो मैं बोल देता हूं मैग्नेटिक बियरिंग इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन इज गिवेन एज ओके तो क्या कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये अपनी ट्रू बियरिंग थी ये अपनी ट्रू मेरिडियन थी द करेक्ट वर्ड शुड बी ट्रू मैरिडियन और ये कहीं पर आपका मैग्नेटिक मैरिडियन था दिस इज योर मैग्नेटिक मैरिडियन लेट्स से मैग्नेटिक मेरेडियन ठीक है अच्छी बात है पहला केस डिस्कस कर लेते लेट्स डिस्कस द फर्स्ट केस लेट्स डिस्कस द फर्स्ट केस बोलना जो डिक्लिनेशन है वो साउथ सेवन डिग्री ईस्ट है डिक्लिनेशन जो है वो सेवन डिग्री ईस्ट है कैन आई से दिस एंगल इज गिवन एज सेवन डिग्री कैन आई से दिस एंगल इज गिवन एज सेवन डिग्री बिल्कुल बोल सकते हैं कोई एक लाइन है जिसकी मैग्नेटिक बेरिंग साउथ 64 ईस्ट है जिसकी मैग्नेटिक बेरिंग साउथ 64 ईस्ट है तो एक बात मुझे समझ में आती है कि अगर अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन है इफ दिस इज द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन तो दिस इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक साउथ ये साउथ होने वाला है नॉर्थ होने वाला है सिमिलरली कोई लाइन जो है वी आर मेजरिंग द एंगल फ्रॉम साउथ ईस्ट विल बी हेयर तो ये तो आपका ईस्ट वाला पोजिशन था दिस इज योर ईस्ट एंड वेस्ट दिस इज योर ईस्ट एंड वेस्ट क्या बोला गया कि साउथ से मेजर कर रहे हैं सिक्सटी फोर डिग्री मेजर कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि साउथ से अगर मेजर करेंगे और सिक्सटी फोर मेजर करेंगे तो लाइन शुड बी समवेयर हेयर तो लाइन शुड बी समवेयर हेयर यहां पे कहीं लाइन होनी चाहिए ये अरे कहीं पे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता रफ डायग्राम बनाना है मुझे एंगल जो दिया गया बेटा दैट एंगल प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन दिस एंगल साउथ 64 64 डिग्री ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट मेजर कर रहे कोई दिक्कत बिकॉज ये मैग्नेटिक बियरिंग था बिकॉज ये मैग्नेटिक बियरिंग था तो रेफरेंस शुड बी मैग्नेटिक मेरिडियन रेफरेंस शुड बी मैग्नेटिक मैरिडियन ये सोनो बोलो मुझसे पूछा गया इस लाइन की टू बियरिंग क्या होगी इसी लाइन की जो भी लाइन है for example, this line is OA. ये जो जो लाइन है, that line is OA. OA की ट्रू क्या होगी? तो ट्रू के लिए जो होगा, बिल्कुल. मतलब क्या मैं बोल सकता हूं मुझसे सवाल में ये वाला एंगल पूछा जा रहा है दिस इज द एंगल दैट क्वेश्चन दिस थीटा विल इक्वल टू आई से? थीटा विल भी इक्वल टू ट्रू बियरिंग ऑफ ओ ए यही तो होने वाली ट्रू बियरिंग बोलो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है बेटा अगर ये एंगल सेवन डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा दिस एंगल इज आल्सो गोइंग टू बी विवन डिग्री दिस एंगल इज आल्सो गोइंग टू बी विवन डिग्री इफ टोटल एंगल इज सिक्सटी फोर डिग्री रिमेनिंग एंगल जो आपका बचा डिक्लेनेशन वाला एंगल हो गया सेवन डिग्री वॉट शुड बी दिस थीटा कैन आई राइट दिस थीटा विल बी इक्वल टू सिक्सटी फोर माइनस सेवन सिक्सटी फोर माइनस सेवन आई गेस इट विल कम सेवन फिफ्टी सेवन डिग्री फिफ्टी सेवन डिग्री बोलो बेटा लिख सकते <coughs> केवल फिफ्टी सेवन आंसर मार्क कर दोगे गलत हो जाएगा केवल 57 अगर आपने आंसर मार्क कर दिया योर आंसर इज गोइंग टू बीन करेक्ट बिकॉज ये 57 आपने सेवन से मेजर किया वी आर वर्किंग ऑन द आरबी और क्यूबी सिस्टम अगर मैं आरबी और क्यूबी सिस्टम में काम कर रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा फ्रॉम वेयर आई एम मेजरिंग दिस एंगल फ्रॉम वेयर आई एम मेजरिंग दिस एंगल अगर अगर ये डब्ल्यू सिस्टम में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वहां पर रिफरेंस वगैरह सब क्या थे फिक्स थे हम हमेशा नॉर्थ से क्लॉक डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते थे तो देयर वॉज नो प्रॉब्लम इन द केस ऑफ डब्ल्यू तो एग्जैक्ट आंसर शुड बी तो ट्रू बियरिंग ऑफ ओ ए विल बी इक्वल टू कर साउथ फिफ्टी डिग्री ईस्ट वी आर मेजरिंग दिस एंगल फ्रॉम द साउथ टूवर्ड्स ईस्ट एंड दिस शुड बी अवर आंसर दिस शुड बी अवर आंसर

ई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है चलो अगला केस भी सॉल्व कर लेते हैं लेट सोल्व द सेकेंड पार्ट डिक्लेनेशन प्रोवाइडेड इज डिक्लेनेशन प्रोवाइडेड इज कितना दे रखा था नौ डिग्री वेस्ट तो नाइन डिग्री वेस्ट चलो क्या नहीं बदलेगा क्या नहीं बदलेगा तो ट्रू मेरिडियर नहीं बदलेगा ये ट्रू मेरिडियन था तो ये इसके ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ ईस्ट और वेस्ट का गेम हो गया दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट अच्छी बात है इन दिस केस इन दिस केस इन द क्वेश्चन दे हैव प्रोवाइडेड द डिक्लेनेशन दैट इज नाइन डिग्री वेस्ट डिक्लेनेशन सर होता क्या था डिक्लेनेशन होता था हॉर्जेंटल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन वेस्ट की तरफ है निगेटिव है वेस्ट की तरफ है निगेटिव है तो वी विल कंसिडर दिस वैल्यू वी विल कंसिडर दिस वैल्यू वी विल रिप्रेजेंट दिस मैग्नेटिक मेरिडियन समथिंग लाइक दिस तो ये अपनी मैग्नेटिक मेरिडियन है एंड दिस एंगल दे है प्रोवाइडेड ये एंगल जो उन्होंने दे रखा है दैट इज नाइन डिग्री सही है <coughs> बोलो क्लियर है दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस एंगल दे हैव प्रोवाइडेड दिस येलो लाइन इज द नथिंग बट इट इज योर मैग्नेटिक मैरेडियन अगेन अगेन कोई लाइन थी जिस लाइन का जिस लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग आपको दिया गया था मैग्नेटिक बियरिंग दे हैव प्रोवाइडेड तो मैग्नेटिक बियरिंग वी विल मेजर फ्रॉम वेयर बेटा मैग्नेटिक बियरिंग वी विल मेजर फ्रॉम वेयर वी विल मेजर फ्रॉम द मैग्नेटिक्ले मैग्नेटिक मैरेडियन तो ये अब वो लाइन है तुम्हारी फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन इज ओ ए this line is oa we are measuring from the south towards east and this angle is given as 64 degree this angle is given as 64 degree can i say if this angle is 9 degree this angle will be also 9 degree yes or no मुझसे पूछा गया व्हाट विल बी द ट्रू बेयरिंग ट्रू बेयरिंग ऑफ oa और अगर मुझे oa की ट्रू बेयरिंग निकालनी है तो तुम्हें नहीं लगता है रेफरेंस शुड बी ट्रू मेरिडियन और दिस एंगल थीटा वी शुड मेजर दिस एंगल थीटा वी शुड मेजर यस तो मैं लिख सकता हूं ट्रू बियरिंग ऑफ ओ ए विल बी थीटा दैट विल बी इक्वल टू सिक्सटी फोर प्लस नाइन डिग्री आई थिंक इट यू विल गेट सेवेंटी थ्री डिग्री यस बट एज वी आर वर्किंग इन द आरबीओ क्यूबी सिस्टम हम लोग आरबी और क्यूबी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो दे सेवेंटी थ्री का एंगल कैसे मेजर किया है वी हैव मेजर फ्रॉम द साउथ टूअर्ड ईट्स तो ट्रू बियरिंग ऑफ ओ ए विल बी इक्वल टू साउथ सेवेंटी थ्री डिग्री ईस्ट साउथ सेवेंटी थ्री डिग्री ईस्ट पॉइंट इज क्लियर यस और यस इस तरीके से इस तरीके इन वाले को हम लोग सॉल्व करने वाले वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस इफ एनी वन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं बोलो बेटा पॉइंट इज क्लियर क्लियर है बातें चले आगे चलो नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते लेट सी डिस्कस द लेट डिस्कस द नेक्स्ट टर्म एंड दैट इज एंगल ऑफ डिप एंगल ऑफ डिप अब ये क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोलते हैं इसको समझो ध्यान से कोई दिक्कत नहीं बोला गया ये वर्टिकल एंगल होता है सबसे बड़ी बात क्या है दिस इज द वर्टिकल एंगल दिस इज द वर्टिकल एंगल बिटवीन द बिटवीन द अर्थ सरफेस अर्थ सर्फेस एंड मैग्नेटिक फ्लेक्स लाइन इट इज दर्टिकल एंगल बिटवीन द अर्थ सर्फेस एंड द मैग्नेटिक फ्लेक्स लाइन इसको आप बोलने वाले हैं एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन सर विजुअलाइज नहीं हुआ तो फॉर एग्जांपल दिस इज अवर अर्थ फॉर एग्जांपल दिस इज अवर अर्थ अभी अगर ये अर्थ है तो यहां पर इसका एक पोल होने वाला और यहां पर एक पोल होने वाला जिस पोल को आप बोलते थे नॉर्थ और इस पोल को आप बोलते थे, थे साउथ ये yes no? अब अर्थ है मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ की बात करने वाले ये yes no? आप सभी ने बचपन में देखा होगा मैग्नेटिक फ्लेक्स लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस जरूर कुछ ना कुछ किया होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो होती थी हमारी वो कुछ इस तरीके की होती थी ये सोलो अरे हाँ ना इस तरीके से कुछ हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लेक्स लाइन को यस और नो बोलो मैंने क्या बोला इट इज द वर्टिकल एंगल इट इज द वर्टिकल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लेक्स लाइन एंड द अर्थ सर्फेस एंड द अर्थ सर्फेस जरा बेटा मुझे देख के बताओ अगर मैं तुमसे जानना चाहूं कि एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होगी वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप कहां पर लेट से एंगल ऑफ डिप की बात करते नॉर्थ और साउथ पे बात करू नॉर्थ और साउथ पे तो तुम्हें नहीं लगता दिस इज दर्थ सरफेस दिस इज द अर्थ सरफेस येलो लाइन आई एम मार्किंग दिस इज दर्थ सरफेस एंड दिस इज योर दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लेक्स लाइन मुझे वॉट विल बी दिस एंगल ये एंगल कितना दिख रहा है तुम्हें

एट पोज द एंगल ऑफ डिप्रेशन बी इक्वल टू नाइनटी डिग्री एट पोज द एंगल ऑफ डिप्रेशन बी नाइन्टी डिग्री चलो इक्वेटर की बात करते हैं तुम्हारी अर्थ सर्फेस है और यहीं से तुम्हारी मैग्नेटिक फ्लेक्स लाइन जाने वाली टेंजेंशियल टू दिस सर्फेस टेंजेंसियल टू दिस सर्फेस बेटा क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो एंगल ऑफ डिप होने वाला है कहां पर इक्वेटर पे टिक फ्लैक्स लाइन निकल रही साउथ पे जा रही है तो so जहां से मैग्नेटिक फ्लैक्स लाइन निकल रही समिंग लाइक दिस दिस इज दर्फेस ऑफ द अर्थ दिस इज द सर्फेस ऑफ द अर्थ दिस एंगल टू नाइनटी डिग्री दिस एंगल टू नाइनटी डिग्री एट पोल्स दिस इज द सर्फेस ऑफ द अर्थ दिस इज द सर्फेस ऑफ द अर्थ

तो दिस वॉज अवर डिस्कशन दिस वॉज अवर डिस्कशन रिलेटेड टू द एंगल ऑफ डिप तो आई होप ऑल आर क्लियर रिलेटेड टू द एंगल कैसे कर रहा था इस टर्म को डिफाइन करने के लिए मैंने आपसे वर्टिकल एंगल की बात की इस टर्म को डिफाइन करने के लिए मैंने आपसे वर्टिकल एंगल की बात की आई होप दिस इज क्लियर इन दिस में वी आर टेंट टर्मिनोलॉजी कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी की मैंने बात कर ली देट वॉज रिलेटेड टू द कंपास सर्वे अब एक्चुअल में परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कैसे परफॉर्म करने वाले हम लोग कंपास सर्वे कैसे कंपास सर्वे की हेल्प से बियरिंग्स को मेजर करेंगे कैसे उन बियरिंग्स का यूज करके प्लान या मैप जो भी बनाना था मैप बनाना एक ऑब्जेक्टिव था हमारा उस मैप को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए कंपास यूज करेंगे एंगुलर तो तो कर मेजरमेंट करने के लिए मेरे पास क्या है कंपास है यही तो करना था यही तो मुझे करना था लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म करने एंगुलर मेजरमेंट परफॉर्म करने थे पूरे सर्वे में चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द लेट्स स्टार्ट विद द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट दैट मेजरमेंट्स मेजरमेंट्स क्या क्या measurements आप करने तो पहले मैं उन मेजरमेंट्स को डिफाइन कर देता हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो कंसेप्ट क्लियर हो और उसके बेसिस पे फिर हम लोग डिफाइन करने वाले कैसे इन मेजरमेंट्स को हम फील्ड में परफॉर्म करेंगे तो आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट हम लोग With the help of images, with the help of graphics, we will try to demonstrate how we can measure the angles, how we can measure the bearings in the case of compass survey. <coughs> पूरे कंपास सर्वे में तुम्हें दो तरीके के मेजरमेंट करने होते हैं। जो फील्ड में आप डेटा रिकॉर्ड करते हैं, केवल दो तरीके के डेटा आप रिकॉर्ड करने वाले, दो रीडिंग्स इन शॉर्ट आप रिकॉर्ड करने वाले, उन रीडिंग्स के बेसिस पे फिर हम एनालाइज कर सकते हैं डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या है वो रीडिंग तो दो रीडिंग्स जो मुझे लेनी है एक मैं बोलने वाला हूं फोर बियरिंग और एक मैं बोलने वाला हूं बैक बियरिंग फोर बियरिंग और बैक बियरिंग सर ये फोर बियरिंग क्या होता है बैक बियरिंग क्या होता है समझा दीजिए तो किसी भी लाइन के लिए किसी भी लाइन के लिए आप फोर बियरिंग को मेजर करेंगे और आप बैक बियरिंग को मेजर करेंगे सर ये नहीं समझ में आ रहा फोर मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो समझो ध्यान से इंपॉर्टेंट है फॉर फॉर दिस दिस इज इज लाइन लाइन ये अपनी कोई एक लाइन है इस लाइन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन इज योर ए एंड बी ये कोई लाइन है ए बी ये कोई लाइन है ए बी तो सर्वे जब करेंगे जब कभी भी सर्वे इसके बाद एक अगली लाइन भी चलो लेट्स टेक वन मोर लाइन लेट्स टेक वन मोर लाइन एंड फॉर एग्जांपल दिस लाइन इज BC आप सही दिस लाइन इज BC <laughs> तो दो लाइंस की बात कर ली एक लाइन है AB और एक लाइन है BC ये ग्राउंड पे लाइन है, विजुलाइज करो ग्राउंड पे ग्राउंड पे दो स्टेशन, तीन स्टेशन थे ए बी एंड सी उनको मिलाकर आपने लाइंस बना दी ए बी एंड बी सी होगा क्या इज अवर डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ सर्वे जब मैं इस जगह पे सर्वे कर रहा होऊंगा तो आई विल स्टार्ट अवर सर्वे फ्रॉम द ए मैं ए से सर्वे स्टार्ट करके बी पे जाऊंगा बी से स्टार्ट करके सी में जाऊंगा अगर इस डायरेक्शन में सर्वे कर रहा हूं तो क्या मैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्वे बोल सकता हूं अब ए के बाद बी बी के बाद सी जनरली तो यही पढ़ा ना लोगों ने अब तुमने अलग से पढ़ रखा हो सी बी ए वो अलग बात है तो वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी देन सी देन आई विल से दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो अगर ए से बी बी से सी जा रहे हैं, इसको मैं बोलता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सर्वे अगर बी से सी से बी और बी से ए आएंगे तो इसको मैं बोलने वाला हूं बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्वे बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्वे यहां तक कहानी क्लियर सबका इंपॉर्टेंट रोल है डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोला गया अब कंपास सर्वे की हेल्प से आप बियरिंग मेजर कर सकते हैं तो कुछ ऐसा होगा कंपास में कुछ ऐसा होगा कंपास में जिसकी हेल्प से मैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन को फिक्स कर दूंगा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन को फिक्स कर दूंगा बेटा मैं मैग्नेटिक वर्ड हटा रहा हूं क्योंकि अगर मैं कंपास सर्वे कर रहा हूं तो कंपास की निडल कंपास की प्लेट जब कभी भी आप फ्रीली सस्पेंडेड कंडीशन में छोड़ेंगे दैट विल इंडिकेट ओनली द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ केवल एनालिसिस में था कंपास की जो पूरी वर्किंग होने वाली है वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में होगी मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन के रेफरेंस में ही हम मेजरमेंट करने वाले तो वी विल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा सही है <coughs> अगर मैंने एंगल को मेजर किया इस लाइन के एंगल को मेजर किया फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज थीटा फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज थीटा अच्छी बात है ये मेजरमेंट करने के बाद मैं बी पे पहुंचा ये मेजरमेंट परफॉर्म करने के बाद मैंने बी पे पहुंचा और बी पे पहुंचने के बाद मैंने फिर से रिफरेंस मैग्नेटिक मेरिडियन को लोकेट किया और मैग्नेटिक मेरिडियन को लोकेट करने के बाद बेटा मैंने एंगल मेजर कर लिया फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज थीटा टू दिस एंगल इज थीटा टू बहुत अच्छी बात है मेरा मन करा मैंने एक एंगल और मेजर कर लिया आई एव ऑल्सो मेजर दिस एंगल फ्रॉम द नॉर्थ एंड दैट एंगल इज थीटा थ्री नॉर्थ पोल था तुम्हारा साउथ पोल था ये तीन एंगल मैंने मेजर किए ये सेम प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे भी ये सेम प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें तो नहीं लगता है कि जब मैं थीटा वन मेजर कर रहा था तो आई वॉज मेजरिंग द थीटा वन इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे यस और नो मेरा डायरेक्शन ऑफ सर्वे जो था वो ए से बी था फॉरवर्ड डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में मैंने एक एंगल मेजर किया ए से बी दैट एंगल वॉज थीटा वन इस थीटा वन को मैं बोलने वाला वालों बेटा इस थीटा वन को मैं बोलूंगा फोर बियरिंग ऑफ ए बी ध्यान से सुनना फोर बियरिंग ऑफ ए बी अब बी से अगला स्टेशन क्या था सी था बी से अगला स्टेशन सी था और बीसी लाइन का जो आपने एंगल मेजर किया एंगल थीटा टू इसको मैं बोल सकता हूं फोर बियरिंग ऑफ बी सी बोलो हा ना इसको मैं बोल सकता हूं फोर बियरिंग ऑफ बी सी बिल्कुल बोल सकते हैं यस ऑन व्हाट अबाउट थीटा थ्री थीटा थ्री क्या है थीटा थ्री क्या अरे यार जब मैं थीटा थ्री मेजर कर रहा था तो तुम्हें नहीं लगता है कि मेरा जो डायरेक्शन था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन ना हो के बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया <coughs> फॉरवर्ड डायरेक्शन ना हो के वो बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया अब मैं <coughs> अब मैं जो सर्वे कर रहा हूं दैट इज फ्रॉम बी टू यस नाउ आवर डायरेक्शन ऑफ सर्वे फ्रॉम बी टू ए इसी थीटा थ्री को मैं बोलने वाला हूं बैक बियरिंग ऑफ बैक बियरिंग ऑफ एबी बैक बियरिंग ऑफ एबी इसका मतलब क्या हुआ किसी भी लाइन के लिए किसी भी लाइन के लिए मैं फील्ड पे दो एंगल मेजर कर सकता हूं आई कैन मेजर टू एंगल्स आई कैन मेजर टू बियरिंग्स एक मैं फोर बियरिंग मेजर कर सकता हूं एक में बैक बियरिंग मेजर कर सकता हूं सर मुझे बीसी लाइन की बैक बियरिंग तो दिखी नहीं रही है तो देखोगे तब दिखेगी तो बीसी लाइन की बैक बियरिंग योर साउथ एंड यू हैव मेजर दिस एंगल दैट एंगल इज थीटा फोर दैट एंगल इज थीटा फोर थीटा फोर विल बी बैक बियरिंग ऑफ बी बैक बियरिंग ऑफ बी बोलो ये कहानी समझ में आ गई तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो आई होप आई एम क्लियर विद ऑल दीज पॉइंट्स ये पॉइंट्स आपको क्लियर है येस और नो चलो तो डिफाइन कर लेते हैं अगर ये पॉइंट्स क्लियर है वॉट डू यू मीन बाई द फोर बियरिंग ऑफ लाइन किसी भी लाइन की फोर बियरिंग से क्या मतलब होता है इसको समझ लेते हैं फोर बियरिंग क्या बोला गया Bearing measured bearing measured from one station to adjacent to adjacent next station in the direction of survey in the direction of survey is known as. Four bearing is known as four bearing. जो भी मैंने आपको आसान भाषा में समझाया ये उसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश में बाकी कंसेप्ट वही जो मैंने आपको भी समझाया आप बोल रहे हैं कि किसी भी लाइन की बियरिंग जो आप मेजर कर रहे हैं एक स्टेशन से जस्ट अगले स्टेशन पे इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे उस लाइन को मैं बोलने वाला हूं फोर बियरिंग ऑफ दैट लाइन फॉर एग्जाम्पल यहां पर ए से बी अगला स्टेशन बी होने वाला तो ए से अगले स्टेशन बी पे डायरेक्शन ऑफ सर्वे में जो एंगल मेजर किया थीटा वन दैट एंगल थीटा वन इज द फोर बियरिंग बी से सी में बी का अगला स्टेशन क्या है द नेक्स्ट स्टेशन फ्रॉम द बी इज दैट इज सी तो बी से सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल मेजर किया थीटा टू वो क्या है फोर बियरिंग है तो आई होप आई होप नॉ इट्स क्लियरली अंडरस्टैंड डेबल टू यू दैट वॉट डू यू मीन बाई दियरिंग ऑफ अ लाइन किसी भी लाइन की फोर बियरिंग का क्या मतलब होता है दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यूस नो चलो तो नो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टर्म नॉवी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टर्म एंड टर्म इज गोइंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं क्लियर है तो यू विल नॉट एबल टू सॉल्व गुड आप अच्छे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे और पूरे कंसेप्ट का फंडामेंटल बेसिक्स फंडामेंटलिक्स आगे सब कुछ इसका ही है तो बहुत अच्छे अच्छे को पढ़ लें वी विल डिस्कस अबाउट द एंगल कैलकुलेशन वी विल डिस्कस अबाउट द एंगल कैलकुलेशन इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल इंक्लूडेड एंगल ऑल दैट थिंग्स वी विल कवर द वन मेजर टॉपिक दैट इज लोकल अट्रैक्शन तो लोकल अट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर गेट पॉइंट ऑफ व्यू गेट में आपको अच्छे सवाल उससे देखने को मिलेंगे तो लेट्स आप बात कर लेते हैं बैक बियरिंग की तो लेट्स टॉक अबाउट द बैक बियरिंग चलो बैक बियरिंग बोलते हैं कैसे तो बियरिंग मेजर फ्रॉम सेम इसी लाइन से लिखते बियरिंग मेजर फ्रॉम वन स्टेशन टू एट नेक्स्ट लिख दू नहीं भाई प्रीवियस स्टेशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ सर्वे इज नोन एज बैक बियरिंग इज नोन एज बैक बियरिंग सही है <coughs> तो मेन डिफरेंस क्या है सारा खेल जो है वो डायरेक्शन का है सारा खेल जो है वो डायरेक्शन का है इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ सर्वे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सर्वे द मेजर गेम इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ सर्वे now i think it's totally clear to all of you what do you mean by the four bearing and back bearing of any line kisi bhi line ki four bearing aur back bearing kya hoti hai ye sare points aap sabhi ko clear hai yes or no if this discussion is clear to all of you so तो now we can move to the next important observation कुछ important observations को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अगर यहां तक की कहानी क्लियर है एवरी वन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस और नो यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है सभी लोग कंफर्म कर दो एक बार चलो वेरी गुड सो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं ऑब्जर्वेशंस वी विल डिस्कस जैसे पहला ऑब्जर्वेशन देखते तो आज ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देता हूं इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे पहला ऑब्जर्वेशन में क्या बोल सकते हो जो फोर बियरिंग फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन बिल्कुल सही बात है फोर बियरिंग भी एंगल है जो कि आपने नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया था बैक बियरिंग भी एंगल ही है जो कि आपने नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया था तो फिर आप एक को फोर बियरिंग बोल ले एक को बैक बैकरिंग बोल ले ऐसा क्यों कर रहे हैं बिकॉज वी आर क्लासिफाइंग दैट बियरिंग ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन दैट वी हैव है जो हम लोगों ने भी यहां पर डिस्कस कर लिया क्लियर है अरे हा है ना <laughs> बिल्कुल सही बात है तो लेट्स डिस्कस द अनदर इंपॉर्टेंट लेट्स डिस्कस द अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर एनी लाइन फॉर एनी लाइन डिफरेंस जो होगा डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज ऑलवेज 180 डिग्री किसी भी लाइन के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा वन एट्टी डिग्री होगा कैसे देखो ऐसे तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज एनी रैंडम लाइन दिस इज एनी रैंडम लाइन आपने फॉर दिस दिस इज इज द पॉइंट 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 ए ए एंड योर बी ये point A है और ये पॉइंट बी है पॉइंट ए से आपने एक फोर बियरिंग मेजर की फॉर एग्जाम्पल दैट एंगल इज थीटा दैट एंगल इज थीटा वन बोल देता हूं चलो थीटा वन और यहां से आपने एक बैक बियरिंग मेजर की इस लाइन की फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन दैट एंगल इज थीटा टू दैट एंगल इज थीटा टू मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि थीटा टू माइनस थीटा वन कितना होगा वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन बेटा इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ये लो आई एम एक्सटेंडिंग दिस लाइन फॉर यू बेटा अगर ये एंगल थीटा वन था अरे ये भी नॉर्थ था ये भी नॉर्थ है अगर ये एंगल थीटा वन था तो क्या बोल सकता हूं कि ये एंगल जो होगा वो भी थीटा वन होगा दिस एंगल विल आल्सो इक्वल टू थीटा वन अरे हा है ना अरे बोलो ये पूरा एंगल थीटा टू है ये एंगल थीटा वन है ये एंगल कितना होगा दिस एंगल दिस फाइव विल बी इक्वल टू वन डिग्री ये तो 180 होने वाला है ना तो नाव आई कैन राइट थीटा टू माइनस थीटा वन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री थीटा टू माइनस थीटा वन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री थीटा टू और थीटा वन का जो गैप होगा वो 180 डिग्री होगा ये सॉर् क्लियर है तो दो ऑब्जर्वेशन हो गए अभी एक दो ऑब्जर्वेशन और है वो डिस्कस कर लूंगा तो आई एम नॉट फीलिंग वेल तो वी विल कंटिन्यू डोंट वरी बट जो भी टॉपिक आज डिस्कस किए जो भी पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए देट आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड देट आर वेरी बेसिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट है इन्हीं का एप्लीकेशन आप करोगे तो वी विल डू क्वेश्चंस आल्सो तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको गेट पे पे मिलने वाले उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था दैट वी हैव मेड तो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दीज पॉइंट्स यहां तक का सभी का डिस्कशन क्लियर है तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडे क्लास आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं टुमारो वी 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 विल 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 डिस्कस डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कंपास कंपास सर्वे सर्वे को हम लोग कंटिन्यू करने वाले तो so जिन्होंने भी क्लास को लेट ज्वाइन किया है तो कुछ चीजें मैं फिर से बता देता हूं जल्दी से तो जो दोस्तों क्लास लेट आप इस प्रोफाइल को फॉलो करके पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन अटेंड कर सकते हो स्पेशल क्लासेस में इस लिंक को फॉलो करना आपको इस लिंक को विजिट करना है आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे आप उन क्लासेस को कर सकते हैं। ये है। इस लिंक को फॉलो करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे जहां पर आपको रेगुलर स्पेशल क्लास के अपडेट्स मिल जाएंगे दीज आर द फेसबुक पेजेस ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दीज पेजेस टू गेट कनेक्टेड विद एस आप सभी इन पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट कनेक्टेड विद एंड यस दीज आर सम अदर बेस्ट चैनल आर द बेस्ट चैनल फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट योर लर्निंग यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन तो फॉर सेपरेट ब्रांच एंड फॉर सेपरेट एग्जाम वी हैव डिफरेंट डिफरेंट एज यू कैन सी दिस चैनल इज फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट फॉर गेट एंड डीएससी दिस इज द चैनल फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट दैट इज एन अकेडमी

तो अगर आप जेई या जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी स्टेट्स के लिए एसएससी के लिए तो आप इस चैनल से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं दिस इज़ द चैनल फॉर सी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट दिस इज द चैनल फॉर गेट प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन तो इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज वाइज सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड सोल्यूशन ऑफ द गेट क्वेश्चन टू यू पीडीएफ Questions will also provided to you in this channel that is An Academy Gate Question, Electrical Junction, Engineering Part and for GS we are having GS Terminal Channel. So these are the best channel from where you can start your preparation. You can also recommend this channel to your other branch students, other branch friends, so that they can also get benefited. So keep learning, keep sharing. This was all about for today's class. Tomorrow we are going to meet at the same time that will be from 8:30 to 9:45 pm so we will continue our discussion related to the compass survey thank you everyone thank you